हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर सीक्रेट। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आप पोटैटो का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा फेशियल घर पे ही ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पोटैटो से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, साथ ही एक्ने वगैरह को दूर करता है और ये एंटी एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ ही ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम पोटैटो को डार्कन हुए जगह पे भी अप्लाई करके अपने स्किन को वाइटनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं पोटैटो को एज अ फेशियल ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि फेशियल में चार स्टेप्स होते हैं, क्लिंजर, देन स्क्रब, देन मसाज और उसके बाद लास्ट में हम अप्लाई करते हैं फेस मास्क। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम बनाने वाले हैं क्लिंजर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको पोटैटो को स्लाइस कर लेना है और इसे मिक्सर में डाल के आपको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है ताकि एक इसका स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं क्लिंजर। क्लिंजर के लिए हमें चाहिए एक बाउल, इसमें हम निकालेंगे करीबन 2 चम्मच दूध। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, फेस को क्लिंजिंग करने के लिए क्लिंजिंग मिल्क का यूज़ किया जाता है, क्योंकि मिल्क जो है होता है वो अपने फेस को अच्छी तरीके से साफ़ कर देता है। साथ ही हम इसमें अप्लाई करने वाले ऐड करने वाले हैं पोटैटो। जैसा कि आप देख सकते हैं, पोटैटो का जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो पेस्ट थोड़ा सा इसमें ऐड किया है और फिर कॉटन की सहायता से हम अपने पूरे स्किन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पोटैटो जो होता है वो स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही क्लिंजिंग मिल्क का में जो हम मिल्क ऐड कर रहे हैं वो आपका बिल्कुल कच्चा होना चाहिए, यानी कि कच्चा दूध आपको डालना है और इसे अच्छी तरीके से अपने स्किन पे पूरे तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद हम जो दूसरा करेंगे वो है स्क्रब। तो फ्रेंड्स, स्क्रब के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें 2 चम्मच पोटैटो का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें स्क्रब के लिए ले रही हूँ राइस फ्लावर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने राइस फ्लावर ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्रबिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे फेस को एक्सफोलिएट करते हैं, साथ ही हमारी फेस की ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यूज़ कर रहे हैं साथ में चीनी और इसके बाद हमने थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ इसे। इसके बाद ये एक थिक पेस्ट बनेगा जिसे आपको अपने पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। तो आप देख सकते हैं, इसे पूरे फेस पे अच्छी तरीके से स्क्रब करें, जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से मसाज करें। करीबन 10 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को अच्छी तरीके से धो लेना है। आपको मसाज सर्कुलर मोशन में करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड, जो है मसाज। मसाज क्रीम बनाने के लिए हम करीबन 2 चम्मच जूस लेंगे, पोटैटो जूस। और इस पोटैटो जूस में मैं ऐड करूंगी करीबन 1 चम्मच एलोवेरा जेल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने नेचुरल एलोवेरा जेल यूज़ किया है। इसके बाद हमें अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस पे इसको मसाज करना है। मसाज अच्छी तरीके से करें, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ करें। इसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करें और अच्छी तरीके से आप मसाज करें अपने फेस पे करीबन 10 मिनट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा थर्ड। इसके बाद हम करेंगे फेस पैक बनाना या फेस मास्क बनाना। तो इसके लिए हम ऐड करने वाले हैं सबसे पहले थोड़ा सा चंदन का पाउडर।
साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच बेसन। और मैं ऐड कर रही हूँ करीबन एक चम्मच पोटैटो पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुलाब जल और इसका एक थिक पेस्ट बना लूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये फेशियल, किसी भी फेशियल का ये लास्ट प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको अच्छे से फेस पैक लगाने के बाद करीबन इसे 20 मिनट तक रखना है और उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है फेशियल करने के बाद करीब आपको 2 से 3 दिन तक फेस अपना सोप या कोई भी सोप अप्लाई करके फेस नहीं धोना होता है, सिंपल पानी से ही आप अपना फेस धोएं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर दिया है। फ्रेंड्स, पोटैटो फेशियल आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये ब्राइटन करता है आपके फेस को, एक्ने वगैरह से छुटकारा दिलाता है, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो ज़रूर इस फेस पैक फेशियल को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे रिजल्ट बताएं कि आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। और फ्रेंड्स, साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए। इसी के साथ मैं आपको बोलती हूँ बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।